ओके सो आवर सिलेबस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस बेवरेज द इंट्रोडक्शन ऑफ बेवरेज. हमारी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगा. जैसे हमने बात की, इफ यू रिमेंबर, हमने क्लास में बात की थी कि बेवरेज क्या होता है. इफ एनीवन आस्क यू, कोई भी आपको पूछता है कि बेवरेज क्या होता है, लाइक वी स्टडी द सब्जेक्ट फूड एंड बेवरेज. फूड एवरीवन नोज, हर किसी को पता होता है कि फूड क्या है. बट समटाइम्स जो लेमैन है, खासकर दे डोंट नो व्हाट्स अ बेवरेज इज, तो कईयों को नहीं पता होता है. ठीक है, बीइंग अ प्रोफेशनल वी नो. तो अगर हमसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज बेवरेज, जो फर्स्ट हमारा आंसर होना चाहिए वो है होना चाहिए कि इट्स अ पोर्टेबल लिक्विड या पोर्टेबल ड्रिंक. एंड व्हाट इज पोर्टेबल? पोर्टेबल इज एनीथिंग विच वी कैन कंज्यूम, जिसको बोलते हैं ना पेय पदार्थ. तो पेय पदार्थ इज बेवरेज. ठीक है, तो जो भी ये पोर्टेबल, पोर्टेबल मीन्स पेय, जो भी ये पेय पदार्थ हैं दे आर द बेवरेज. सो बेवरेज हैज एनी पोर्टेबल ड्रिंक्स. ठीक है, एंड ऑल द बेवरेज हैव सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. इन सब की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. कैसी भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. दे कैन हैव थर्स्ट क्वेंचिंग प्रॉपर्टीज, मीन्स कुछ बेवरेज ऐसे हैं जो हमारी प्यास को बुझाते हैं. कुछ रिफ्रेशिंग हो सकते हैं, जो हमें रिफ्रेश कर रहे हैं हमारी बॉडी को. कुछ नरिशिंग हो सकते हैं, कुछ स्टिमुलेटिंग हो सकते हैं. ठीक है, सो ऑल द बेवरेजेस कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. सो बेवरेज आर बेसिकली द पोर्टेबल ड्रिंक्स और पोर्टेबल लिक्विड्स विच हैव थर्स्ट क्वेंचिंग, रिफ्रेशिंग, नरिशिंग और स्टिमुलेटिंग क्वालिटीज. एंड एज यू नो कि बेवरेज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड बेवर विच मीन्स रेस्ट फ्रॉम वर्क. बेवर वर्ड था जिससे लिया गया है बेवरेज विच मीन्स रेस्ट फ्रॉम वर्क, मीन्स काम से एक रेस्ट लेना, एक पॉज लेना. एंड फ्रॉम वेयर दिस वर्ड बेवरेज केम इन टू एग्जिस्टेंस. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, हाउ वी क्लासीफाई दिस बेवरेज. दिस यू माइट हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस ईयर एज वेल. हमने बेवरेज को दो इसमें क्लासीफाई किया है. वी हैव एल्कोहलिक बेवरेज एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज. व्हेन वी टॉक अबाउट एल्कोहलिक बेवरेज, ऑल दोज बेवरेज विच हैव 0.5 to 75% ऑफ इथाइल एल्कोहल या फिर इथनॉल या फिर एल्कोहल, दे आर नोन एज एल्कोहलिक बेवरेज. विच मीन्स इसका मतलब यह है कि जो भी हमारे बेवरेज हैं, जो भी ये हमारे एल्कोहलिक बेवरेज हैं, जो उनमें एल्कोहल, जिसको हम एल्कोहल बोलते हैं, ये जो एल्कोहल पाया जाता है उनमें, वो इथाइल एल्कोहल होता है या इथेनॉल होता है. अगर आपको, इफ यू रिमेम्बर योर क्लासेज एंड हमने बात की थी, वी हैव जो साइंस के स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल. तो वैसे ही जो इथाइल एल्कोहल होता है, सिर्फ वही ऐसा एल्कोहल होता है जो कंज्यूमेबल होता है. इथाइल अल्कोहल को छोड़ के जो बाकी अल्कोहल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल है, दे आर डेंजरस, दे आर लाइक पॉइसन, वो जहर की तरह होते हैं. सो इसका मतलब है जो भी आप, जिसको हम बोलते हैं शराब, ठीक है, जो भी आप शराब के बारे में सुनते हो या एल्कोहलिक, दैट मीन्स एल्कोहलिक बेवरेज के बारे में सुनते हो, उन सब में जो एल्कोहल पाया जाता है वो होता है इथाइल अल्कोहल या फिर जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन एल्कोहलिक विच यू हैव स्टडीड इन सेकेंड सेमेस्टर. ऑल दोज बेवरेज विच हैव लेस देन 0.5% ऑफ इथेनॉल, दे आर नोन एज नॉन एल्कोहलिक बेवरेज. होप दिस थिंग इज क्लियर. हमारा सिलेबस है एल्कोहलिक बेवरेज के बारे में. तो एल्कोहलिक बेवरेज को हमने फर्दर दो इसमें क्लासीफाई किया है. फर्स्ट इज जहां मेरा कर्सर है, दिस इज फर्मेंटेड एंड सेकेंड इज डिस्टिल्ड. सो फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेजेस और डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज, दो तरह के बेवरेज होते हैं, फर्मेंटेड एंड डिस्टिल्ड. नाउ व्हाट इज फर्मेंटेड? एज रिटन, विच आर मेड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस. एक बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है विच वी गोना स्टडी फर्दर. जो उस प्रोसेस से बनते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं जो भी बेवरेज, दे आर नोन एज फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेज. इनके एग्जाम्पल हो गए बियर, वाइन, साइडर, साके, पेरी, मीट. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एल्कोहलिक, फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेज. एंड देन वॉट आर डिस्टिल्ड? विच आर मेड बाई द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन प्रोसेस से, डिस्टिलेशन इज अनदर प्रोसेस. तो हमारे पास दो प्रोसेस हुए, वन इज फर्मेंटेशन, सेकेंड वन इज डिस्टिलेशन. सो दोज फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेज मेड बाई फर्मेंटेशन प्रोसेस, डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज मेड बाई डिस्टिलेशन प्रोसेस. अब डिस्टिल्ड बेवरेज जो हैं उनमें हमारे पास स्पिरिट्स आते हैं, लिक्योर्स आते हैं, बिटर्स आ जाते हैं, ऑदोबीज आ जाते हैं. ये इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑफ, ओके, दिस इज फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेज. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं डिस्टिल्ड बेवरेज को. डिस्टिल्ड बेवरेज की मैंने कहा वो फर्दर क्लासिफिकेशन थी. जब हम स्पिरिट्स की बात करते हैं तो स्पिरिट्स, जैसे आप सबको पता है, ये हमारे बेसिक डिस्टिल्ड बेवरेजेस हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारे पास विस्की है, रम है, जिन है, टकीला है, रम है, ब्रांडी है. ठीक है,
थोड़ी बहुत स्पेलिंग टकीला में डबल एल लगा है. ओके, सो विस्की, रम, जिन, टकीला, रम एंड ब्रांडी, दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ स्पिरिट्स डिस्टिल्ड बेवरेज. देन वी हैव लिक्योर्स. लिक्योर्स बहुत सारे हैं आपके, आपने बहुत सारे लिक्योर्स पढ़े हैं, 30-40 लिक्योर्स पढ़े हो, कम से कम 25 तो पढ़े ही हैं आपने. उसमें से कुछ जैसे TMI हो गया, ट्रिपल सेक हो गया, कलुआ हो गया, क्वाइंथ्रू हो गया, और भी बहुत है, सम्बुका है, ड्रम्बुई है, शात्रुज है, एन नंबर ऑफ आपके लिक्योर्स आपने पढ़े हैं. एंड व्हाट आर लिक्योर्स? लिक्योर्स आर फ्लेवर्ड एंड स्वीटेंड स्पिरिट्स. मीन्स जो स्पिरिट्स हैं उनको किसी चीज का फ्लेवर दिया होगा और उनमें स्वीटनेस दी होगी, देन इट बिकम्स अ लिक्योर, तब वो लिक्योर्स बनते हैं. जैसे TMI, ट्रिपल सेक, ऑरेंज फ्लेवर है, कलवा, इट्स अगेन लाइक TMI, कॉफी फ्लेवर, क्वाइंथ्रू, अरे अगेन ऑरेंज, एंड लास्ट इज ऑदोवी. ऑदोवी, दीज आर अदर फ्रूट ब्रांडीज. हमने इसको एक अलग कैटेगरी, हमने कहा था जो दिस ग्रेप ब्रांडी जो बनती है वो ग्रेप से बनती है, ग्रेप को छोड़ के और किसी से जो स्पिरिट, जो फ्रूट ब्रांडी बन रही है उसको हम ऑदोवी इसके अंडर डाल रहे हैं. जैसे कैलबेडो विच इज मेड फ्रॉम एप्पल्स, एप्पल जैक विच इज अगेन मेड फ्रॉम एप्पल्स, पुआर विलियम विच इज मेड फ्रॉम पेयर, एंड देन वी हैव अनदर लाइक मिराबेल विच इज मेड फ्रॉम प्लम, और बहुत सारे. ठीक है, सो एनी क्वेश्चन सो फार, यहाँ तक एनी क्वेश्चन सो फार टिल हियर? एनी क्वेश्चंस? इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन देन ही और शी कैन आस्क, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, सो आई टेक इट एज नो क्वेश्चन सिंस नो वन आस्क, सो विल मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट हम आते हैं फर्मेंटेशन. अभी फर्मेंटेशन क्या है? हमने कहा कि अल्कोहलिक बेवरेज आर टू टाइप्स, वी हैव फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज, वी हैव डिस्टिल्ड, एंड वी स्टडी लाइक फर्मेंटेड आर दोज व्हिच आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस. नाउ फर्स्ट थिंग व्हिच यू मस्ट नो कि फर्मेंटेशन इज द बेस फॉर मेकिंग ऑल अल्कोहलिक बेवरेजेस. कहने का मतलब है कि फर्मेंटेशन एक नीम है, एक नीम है. जैसे एक मकान को बनाने के लिए नीम की जरूरत होती है, वैसे ही कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज हमने बनाने हैं, चाहे वो बियर है, चाहे वो वाइन है, चाहे वो विस्की है, चाहे वो टकीला है, चाहे जो भी है, जो भी आप सुने या आपने देखे हैं या आपने पढ़े हैं, वो सारे सारे के सारे उनको बनाने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दैट गोना बी अ फर्मेंटेशन. तो फर्मेंटेशन इज अ फर्स्ट स्टेप, मीन्स बेस है बनाने के लिए, अल्कोहलिक बेवरेज को बनाने के लिए, कि सभी अल्कोहलिक बेवरेज को बनाने के लिए. एंड है क्या ये? इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस जिसमें हम शुगर प्लस यीस्ट, शुगर में यीस्ट को मिक्स करते हैं, और यीस्ट क्या करती है, शुगर को खाती है एक तरह से. मीन्स यीस्ट शुगर पे रिएक्ट करती है और उससे हमें मिल जाता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस हीट. हीट भी उसमें निकलती है क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगा उसमें हीट तो निकलेगी निकलेगी. सो फर्मेंटेशन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. शुगर, अब शुगर का मतलब यहां मेरा चीनी से नहीं है, एक्सक्यूज मी, बाय शुगर आई डोंट मीन कि इट्स जस्ट जस्ट चीनी. शुगर से मेरा मतलब है शुगरी लिक्विड, कि ऐसा लिक्विड जिसमें मिठास हो. जैसे अगर मैं वाइन की बात करूं जो कि ग्रेप से बन रही है, तो ग्रेप्स का जूस, तो वो शुगर कंसीडर होगा, शुगरली लिक्विड बेसिकली. एंड यीस्ट मैंने बताया है ये एक तरह की फंगस है, फंजाई फैमिली से है, ये उसको खाती है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये शुगर को ईट करेगी, खाएगी, उस पे रिएक्ट करेगी, और वो रिएक्ट करके शुगर को बदल देगी अल्कोहल में, और साथ में गैस निकलेगी CO2. ठीक है, एंड पर इसमें कुछ कंडीशन है. कंडीशन ये है कि जो ये यीस्ट हैं, हर यीस्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम कर पाती हैं, और जो मैक्सिमम यीस्ट हैं उनके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 3 to 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है. तो कहने का मतलब है अगर ये 3 से कम टेम्परेचर होगा या 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा, देन अब वो फर्मेंटेशन विल नॉट अकर. मीन्स वो रिएक्ट, जो यीस्ट है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी. ठीक है, जैसे इफ यू रिमेम्बर, तो जब हमने क्लास में ये डिस्कस किया था तो मैंने आपको डेंजर जोन के बारे में बताया था. आई टोल्ड यू, एग्जाम्पल दिया था डेंजर जोन क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया माइक्रोब्स हमारे खाने को खराब करते हैं.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सब्जी है या दूध है, उसको आपने आप चाहते हो कि वो खराब ना हो, देन यू हैव टू डू टू थिंग्स, आइदर यू कैन बॉइल इट, या तो आप उसको उबाल के रख देंगे दूध को, और द सेकेंड मेथड इज आप उसको रेफ्रिजरेशन में रख देंगे, या ठंडे में रख देंगे या गर्म में। अब वो होता है डेंजर जोन से बचाने के लिए। अब गर्म करके क्या होगा, उसका डेंजर जोन विच इज लाइक डेंजर जोन से बाहर आ जाएगी अपनी चीज, आपका दूध या जो भी सब्जी है या दाल है, और उसके जो माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएंगे हीट करने से। और फ्रीज करने से क्या होगा, माइक्रोब्स छुप जाएंगे, वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, उनको ठंड लगेगी, वो वहीं के वहीं डूब के रहेंगे, वो अपने आप को एक्टिवेट नहीं करेंगे। दैट इज बेसिकली दिस टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर फर्मेंटेशन, 3 to 35 degrees Celsius, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज की मैक्सिमम एल्कोहलिक स्ट्रेंथ, मैक्सिमम एल्कोहलिक स्ट्रेंथ जो जाता है वो है 14%, मैक्सिमम एल्कोहलिक स्ट्रेंथ 14% जाती है फर्मेंटेशन के बाद, जो मैक्सिमम एल्कोहलिक स्ट्रेंथ है वो 14% जाती है, उससे ज्यादा 14 to 15 इट वेरीज के जगह 15, और अलग अलग यीस्ट अलग अलग तरीके से आपका रिएक्ट करती है, ठीक है। सो दैट इज फर्मेंटेशन। And we have some examples of fermented alcoholic beverages, जैसे कि first है beer, beer which is made from barley, जैसे आपको पता है। Second is wine, wine is made from grapes, then cider, cider is made from apples, then perry, perry is made from pear, sake, sake is a Japanese drink, Japanese drink है, which is made from rice, and last is mead which is made from honey, mead is made from honey. ये बेसिक फर्मेंटेड एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ वर्ल्ड, वी हैव एंड और भी बहुत सारे हमारे पास फर्मेंटेड बेवरेज हैं, बट दीज आर द बेसिक वन, ठीक है। सो यू मस्ट रिमेंबर, और दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज एग्जाम ऑल्सो, पूछ लेते हैं व्हाट इज साके, साके कहाँ की ड्रिंक है, हाउ इट इज सर्व्ड, हमने बात की थी, इट इज ट्रेडिशनली इट इज सर्व्ड फॉर्म, आपके नोट्स में ये भी बताया गया है कौन सा किस में सर्व होती है, देयर इज अ ट्रेडिशनल पॉट जिसमें ये सर्व होती है या स्टोर की जाती है, एंड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, व्हाट इज साइडर, या वाइन इज मेड फ्रॉम व्हाट एंड ऑल, सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज ऑल्सो फॉर एग्जाम एंड इंटरव्यूज ऑल्सो। डिस्टिलेशन, नाउ फर्मेंटेशन हमने पढ़ लिया कि इट्स अ बेस फॉर मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेज, नाउ कम्स टू डिस्टिलेशन, नाउ व्हाट इज डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन इज बेसिकली अ प्योरिफिकेशन प्रोसेस, प्योरिफिकेशन किसका, जो हमारा फर्मेंटेड एल्कोहल है, हमने बात की कि फर्मेंटेशन इज अ बेस फॉर मेकिंग ऑल एल्कोहलिक बेवरेज, फर्मेंटेशन से ही सारे एल्कोहलिक बेवरेज बनते हैं, और उनको फर्दर प्योरीफाई करने के लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का हेल्प लेते हैं। डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी विधि है जो हमारे लिक्विड्स को प्योरीफाई करने में हेल्प करती है। अब ये प्योरीफाई कैसे कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जैसे आई गेट टू द एग्जांपल, इससे पहले मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात की कि सपोज लेट्स टेक वाइन, ग्रेप की बात करते हैं, हमारे पास ग्रेप है, ग्रेप का हमने जूस निकाला और जूस को हमने यीस्ट डाला उस जूस में, और उससे क्या हमारी बन गई वाइन, उसमें फर्मेंटेशन हैपन हुई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, हमने यीस्ट डाली और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रिएक्शन हैपन, और उस रिएक्शन से हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास वी गेट द अल्कोहल, और वो अल्कोहल क्या होगा, वाइन, क्योंकि ग्रेप से जो फर्मेंटेड बेवरेज बनती है वो होती है वाइन। अब मेरी ये वाइन बन गई है, अब इस वाइन में अगर मैं बोलूँ तो ग्रेप, इफ वी कंसिडर ग्रेप जूस, तो ग्रेप जूस क्या है बेसिकली, ग्रेप जूस इज जस्ट शुगर है, वो शुगर में कुछ फ्लेवर्स हैं ग्रेप्स के, उसके अपने मिनरल्स, अपने फ्लेवर्स होंगे, अपने सिट्रस एसिड या जो भी होंगे उसके मिनरल विटामिन अपने होंगे, ठीक है, प्लस वाटर है, क्योंकि इट्स अ जूस, जूस मींस वाटर ओनली, तो ये वाटर ही है बेसिकली, तो एक तरह से स्वीटेंड फ्लेवर्ड वाटर की तरह है, तो बेसिकली वो आपका जूस हो गया। अब क्या हुआ, जब उसमें यीस्ट ऐड की तो उन्होंने क्या किया, जो उसमें से शुगर थी, क्योंकि शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर हुआ एक जूस, बेसिक दो ही चीजें लें तो हम, तो जो क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड इज वाटर ओनली, तो जब हमने उसमें यीस्ट ऐड की तो यीस्ट ने क्या किया, उस शुगर को ब्रेक किया और उसको बदल दिया अल्कोहल में। इसका मतलब है जो हमारा जो फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज है वो क्या है,
एल्कोहल प्लस वाटर, क्योंकि वो अगेन इट्स अ लिक्विड, जो उसमें शुगर था वो बदल गया एल्कोहल में और जो पानी है वो वैसा का वैसा रहा। अब क्या किया हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस में, व्हाट वी डिड, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं उसकी प्योरिफिकेशन, फर्दर प्योरिफिकेशन कर लेते हैं। अब प्योरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, उस प्योरिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लिक्विड है जिसमें एल्कोहल और वाटर है। अब एल्कोहल और पानी के जो इवेपोरेशन टेम्परेचर है वो अलग अलग है। एल्कोहल इवेपोरेट होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर इवेपोरेट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों का अलग अलग इवेपोरेशन टेम्परेचर, और इसकी हम हेल्प लेते हैं और उसी के कारण हम इसकी प्योरिफिकेशन कर पाते हैं। नाउ इन तो इन डिस्टिलेशन प्रोसेस इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन वी प्योरीफाई द फर्मेंटेड एल्कोहल। ठीक है, तो जैसे कि वी नो वी हैव लाइक पॉटसिल मेथड एंड पिटनसिल। इससे पहले कि मैं पॉट और पिटनसिल बताऊं, आई वांट टू कम डिस्टिल बेवरेजेस, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्पिरिट्स है, स्पिरिट्स में विस्की है, विस्की इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स, ग्रेन्स अलग अलग हो सकते हैं, दैट इज बार्ले भी हो सकता है, वीट भी हो सकता है, मेज भी हो सकता है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ग्रेन्स यूज होते हैं। नेक्स्ट इज रम, रम इज मेड फ्रॉम शुगर केन, बेसिकली मोलेसिस, मोलेसिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट इज जिन, जिन इज अगेन मेड फ्रॉम ग्रेन्स एंड इट इज फ्लेवर्ड विद जूनिपर बेरीज। नेक्स्ट इज टकीला, टकीला इज अ मैक्सिकन ड्रिंक विच इज मेड फ्रॉम ब्लू अगावे प्लांट। नेक्स्ट इज रम, So next is brandy. Brandy is made from grapes. ठीक है? तो whiskey, grains, and I miss a vodka in this. Last is vodka. Vodka traditionally it was made from potatoes, पर आज के टाइम में वोडका जो बनती है मैक्सिमम वोडका मेड फ्रॉम ग्रेन्स। और हमने ये भी बात की थी, इफ यू रिमेम्बर योर क्लासेस, तो हमने बात की थी आज की डेट में इवन वी आर गेटिंग वोडका फ्रॉम ग्रेप ऑल्सो, ग्रेप से भी वोडका बन रही है, हर किसी चीज से वोडका बन रही है। और वो क्यों हम उसको वोडका बोल देते हैं, वो भी हमने वोडका में, जब हमने वोडका पढ़ा था तब हमने बात की थी। ओके, अब ये डिस्टिलेशन करने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस हैं, मतलब दो इक्विपमेंट्स है, दो मशीनरियां हैं जिससे हम डिस्टिलेशन कर पाते हैं। एक मशीनरी का नाम है पॉटसिल और दूसरी का नाम है पिटनसिल। ठीक है, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में ऑलमोस्ट 90-95% ये क्वेश्चन आता ही आता है पॉटसिल और पेटेंट स्टील के ऊपर। ठीक है, पॉटसिल और पेटेंट स्टील पे। अब ये पॉटसिल एंड पेटेंट स्टील क्या है, दीज आर द इक्विपमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स विद द हेल्प ऑफ देम वी डू द डिस्टिलेशन, हम इसमें प्योरिफिकेशन करते हैं, वी डू द प्योरिफिकेशन बाय दिस मेथड। अब ये फर्स्ट आते हैं हम पॉटसिल पे, अब ये डायग्राम पे थोड़ा नजर डालना। तो बेसिकली क्या है, ये पॉटसिल एक ट्रेडिशनल मेथड है उसको प्योरीफाई करने का। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, एक पॉट होता है कॉपर का, ये पूरा इक्विपमेंट एक कॉपर का बना होता है, कॉपर वेसल होता है, एक पॉट होता है कॉपर का, अनियन शेप, प्याज की तरह ये शेप होता है इसका। इस पॉट में हम क्या करते हैं, फर्मेंटेड बेवरेज डालते हैं। फर्मेंटेड बेवरेज, जैसे हमने बात की, फर्मेंटेड बेवरेज एक तरह से एल्कोहल और पानी का मिक्सचर होगा। अब इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया नीचे से, दिस इज अ हीटिंग चैम्बर, हमने इसको हीट कर दिया। पहले पहले टाइम में क्या होता था, वुडन या कोल इससे हीट किया जाता है, बट नाउ आज के टाइम में वी हैव डिफरेंट, इवन इलेक्ट्रिकल हीट से भी हम इसको हीट कर देते हैं। तो जब हमने इसको हीट किया तो क्या हुआ, हमने इस टेम्परेचर को मेंटेन किया ऑलमोस्ट 78 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो व्हाट विल हैपन एट 78 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो इस लिक्विड में से एल्कोहल होगा वो इसमें से इवेपोरेट, मीन्स उसकी इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एल्कोहल का जो इवेपोरेशन टेम्परेचर है दैट इज 78.3 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे वो टेम्परेचर इसको अचीव होगा, यहाँ से ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये इस स्ट्रैंड्स नेक, जो एक ट्यूब है, इससे ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा वेपर्स के रूप में। उसके बाद ये जो वेपर्स हैं दे विल पास थ्रू अ कंडेंसर, ये जो बना है ये जो यहाँ पे बना है दिस इज अ कंडेंसर, ये कंडेंसर है। कंडेंसर क्या है, बेसिकली इसमें जनरली कोल्ड वाटर डाला गया होता है। तो जब ये वेपर्स वाली ट्यूब, व्हेन दिस विल पास फ्रॉम द कंडेंसर, तो क्या होगा, जो वो वेपर्स हैं वो फिर से कंडेंसेशन हो जाएगी, मींस इवेपोरेशन क्या होता है,
किसी भी लिक्विड का वेपर्स में बदलना, मींस जिसको हम वाष्पीकरण बोलते हैं वो होता है इवेपोरेशन। लिक्विड का भाप में गैसेस में बदलना इज इवेपोरेशन, और कंडेंसेशन उससे उल्टा होता है। कंडेंसेशन क्या है, वेपर्स का फिर से लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन होता है। तो जब ये कंडेंसर से वेपर्स जाएंगे, अल्कोहल के वेपर्स, देन दे विल टर्न इनटू अगेन इनटू लिक्विड। अब ये लिक्विड यहाँ यहाँ पे इस पे हम अलग से इसको कलेक्ट कर लेंगे अलग से किसी कंटेनर में। अब इसमें हमने क्या किया, यहां से हमने इस स्पॉट से जहां पे मेरा कर्सर है, इफ यू कैन सी माय कर्सर, यहां से हमने अल्कोहल रिमूव करके उसको यहाँ पे अलग कर दिया, फर्मेंटेड बेवरेज को प्योरीफाई करके यहाँ पे हमने डिस्टिल्ड बेवरेज को अलग कर दिया, और जो इसमें वाटर कंटेंट थे वो यहाँ वापिस रह गए, दैट्स अ लेफ्ट ओवर फ्रॉम दिस। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइनल हमारे पास मिला दैट इज मोर प्योर, वो ज्यादा प्योर होगा, उसकी एल्कोहलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे मान लो 10-12 या 14% तक होगी, तो यहाँ आके वो ज्यादा हो जाएगी 25-30-40 जितनी। एज यू नो कि पॉस्टेल में हमेशा दो बार डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। फर्स्ट डिस्टिलेशन के बाद हमारी एल्कोहलिक स्ट्रेंथ 25-30% पहुंचती है, एंड देन वी हैव टू डू इट अगेन, जिससे कि हमारी एल्कोहलिक स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो सके। So this is your postil, very traditional, कुछ नहीं है। Fermented beverage को लिया, उसको heat किया, temperature को 78 तक maintain किया, उसमें से alcohol के vapors बन जाएंगे, और बाद में उसको condenser से condensation कर दी और अलग से collect कर दिया। That is postil. I hope it is clear. Just a minute. बेटा ये जिनका जो म्यूट नहीं है वो अपने आप को म्यूट कर रहे हैं। अंजलि आई एम नॉट यू अनम्यूट, और सभी म्यूट करें अपने आप को प्लीज। लेट मी चेक जस्ट अ मिनट। ओके, एनी क्वेश्चंस सो फार? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। Any questions? Okay, so we'll go for patent still now. Now patent still ये advanced machinery है। Pot still क्या थी? Traditional machinery। जैसे कि हमने बात की थी, जैसे for example हम we have different type of washing machines हैं घर में। हमारे पास एक नॉर्मल वॉशिंग मशीन होती है जिसमें सिर्फ कपड़े धुलते हैं, तो फिर उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक आई मशीन्स जिसमें क्या है, उसमें धुलते भी हैं और सूखते भी हैं, तो यू हैव टू टर्न इट। अब आज के टाइम में हमारे पास और एडवांस वॉशिंग मशीन्स हैं जो कि क्या है, फुली ऑटोमेटिक हैं, जिसमें एक बार आपने डाला कपड़े डाले और उसके बाद वो धुल के सूख के बाहर निकलेंगे। ठीक है, सेम वे जो पॉट स्टिल मेथड था उसकी कुछ लिमिटेशन थी, वो पुरानी मशीनरी थी, ट्रेडिशनल मशीनरी थी। ठीक है, और उसके और भी, उसको कॉपर स्टिल भी बोला जाता है, एलम्बिक स्टिल भी बोला जाता है, दीज आर द डिफरेंट नेम्स, वो आपके नोट्स में भी हैं, एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास इन वेल इन डिटेल कि क्यों उसको कॉपर स्टिल बोला जाता है, क्यों उसको और उसका नाम है, क्यों उसको एलम्बिक स्टिल बोला जाता है, दैट्स ऑल वी डिस्कस। वैसे ही पेटेंट स्टिल को भी हम अलग अलग नामों से जानते हैं, सब मेन नाम इसका पेटेंट स्टील है, पर इसको हम कॉन्टिन्यू स्टील भी बोलते हैं। जैसे हम पॉट स्टील को बैच स्टील बोलते हैं, वैसे पेटेंट स्टील को हम कॉन्टिन्यू स्टील भी कहते हैं। सो कॉन्टिन्यू स्टील बोलते हैं इसको। कॉफी स्टील, एनिस कॉफी ने 1831, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू एग्जाम्स में आता है, हु इन्वेंटेड पेटेंट स्टील या विच ईयर, तो एनिस कॉफी, ही वाज अ आयरिश मैन था, जिन्होंने 1831 में इसको अपने नाम पे पेटेंट करवाया था, और उन्हीं के नाम पे इनको कॉफी स्टील भी कहा जाता है। ओके, नो ये पेटेंट स्टील क्या है, ये मोर एडवांस मशीनरी है, करता ये भी वही काम है, ये प्योरिफिकेशन ही कर रहा है, डिस्टिलेशन ही कर रहा है, पर ये ज्यादा एडवांस मशीनरी है। ये एक तरह से मैं बताऊं अगर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की तरह है। पॉट स्टील में क्या होता था कि पॉट की एक कैपेसिटी होती थी और उसी कैपेसिटी के अनुसार उसमें काम होता था। फॉर एग्जांपल अगर जो मेरा पॉट है उसकी कैपेसिटी मान लो 1000 लीटर है, और मेरे को 2000 लीटर अगर मेरे को लिक्विड को अगर मैंने डिस्टिल करना है, फर्मेंटेड लिक्विड को डिस्टिल करना है,
तो वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। इन द सेंस मेरे को उसके अलग अलग बैच बनाने पड़ेंगे। पहले 1000 लीटर को मेरे को डिस्टिल करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 1000 को मैं डालूंगा एंड देन मैं उसकी डिस्टिलेशन करूंगा। पर इसमें क्या है, इसमें वो एडवांस है, इसमें इसमें मेरे को कंटिन्यूसली काम होता है, इसमें कंटिन्यूसली काम होता है पेटेंट सील में, तो इसमें वो मेरे को बैचेस बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसकी जो लिमिटेशन थी, और उसमें हमेशा 2 बार डिस्टिलेशन करनी पड़ती थी, सेकेंड टाइम डिस्टिलेशन के बाद ही हमारी अल्कोहलिक स्ट्रेंथ लगभग 80-85 के पास पहुंचती थी। इसमें हम एक ही बार डिस्टिलेशन करके हम काफी हाई अल्कोहलिक स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ पेटेंट सील। तो उस चीज के लिए हमारा ये पेटेंट सील बना। अब पेटेंट सील का ये डायग्राम है, डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आता है, आपको ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना होता है पॉट एंड पेटेंट सील का दोनों को, ठीक है। एंड जैसे मैंने पहले बताया 90-95% ये दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब ध्यान देना मेरे इस पे, जहां मेरा कर्सर जाता है। ओके, सो पेटेंट सेल के अलग अलग नाम होते हैं। कॉन्टिन्यूस सेल, कॉन्टिन्यूस इसलिए क्योंकि ये लगातार काम करता है, इसको यहां लिखा है कॉन्टिन्यूस। कॉफी सेल, क्योंकि मैंने बताया एनिस कॉफी ने इसको पेटेंट किया था। नेक्स्ट इज, इसको हम कॉलम सेल भी कहते हैं। कॉलम सेल इसलिए कहते हैं, इसमें 2 कॉलम होते हैं, ये है एक है एनालाइजर और एक को बोलते हैं हम रेक्टिफायर। मीन्स 2 बड़े बड़े कॉलम या चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर को, एक कॉलम को बोलते हैं एनालाइजर, जहां मेरा कर्सर है, और दूसरे चैम्बर को बोलते हैं रेक्टिफायर। अब जो ये एनालाइजर है और ये रेक्टिफायर है, इन दोनों के बीच में ये प्लेट्स होती हैं कॉपर की, परफोरेटेड। ये जो प्लेट्स हैं ये परफोरेटेड, अगर आप देखोगे इन प्लेट्स में होल्स हैं, हर जगह से परफोरेटेड हैं, कहीं ना कहीं से ये परफोरेटेड है, यहाँ पे इसमें होल है, इनमें यहाँ पे होल है, ये परफोरेटेड है। तो ये परफोरेटेड कॉपर प्लेट्स होती हैं इन दोनों में, दोनों चैम्बर्स पे, एनालाइजर एज वेल एज रेक्टिफायर में। और एनालाइजर के बॉटम से, यहाँ से बॉटम से एक इनलेट होता है जहां से ये स्टीम एंटर करती है, जिसमें हम रेगुलर स्टीम एंटर करवाते हैं। और ये स्टीम क्या करेगी, इन परफोरेटेड प्लेट से होती हुई ऊपर राइज करना स्टार्ट होगी और इस पूरे एनालाइजर में फैल जाएगी। और एक कनेक्टिंग पाइप से होते हुए ये क्या करेगी, इट विल ट्रेवल टूवर्ड्स रेक्टिफायर। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ एनालाइजर अ कंटिन्यूस स्टीम, कंटिन्यूसली स्टीम विल एंटर इनटू द एनालाइजर एंड थ्रू अ कनेक्टिंग पाइप इट विल एंटर इनटू द रेक्टिफायर। और एनालाइजर और रेक्टिफायर दोनों में क्या होगा, हमारी वेपर्स जो ये स्टीम है, स्टीम इन दोनों में फैल जाएगी, स्टीम की वेपर्स इसमें फैल जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेगी, इन दोनों चैम्बर्स को हीट कर देगी, एनालाइजर भी थोड़ा गर्म हो जाएगा और रेक्टिफायर भी गर्म हो जाएगा, किसके कारण, स्टीम के कारण। और अब इस रेक्टिफायर के टॉप से एक इनलेट होगा जहां से हमारा कोल्ड वॉश या कोल्ड एल्कोहलिक वॉश एंटर करेगा। वट इज दिस एल्कोहलिक वॉश, जिन्होंने क्लासेस पहले लगाई हैं दे रिमेम्बर, अगर आपको याद नहीं है देन आई टेल यू अगेन, कि जो एल्कोहलिक वॉश या वॉश होता है, फर्मेंटेड एल्कोहल को हम बोलते हैं, जो फर्मेंटेड एल्कोहल है उसको हम एल्कोहलिक वॉश भी बोलते हैं। तो एक कोल्ड एल्कोहलिक वॉश इस रेक्टिफायर के टॉप से, एक इनलेट से, एक जिगजैग पाइप है, इट विल एंटर फ्रॉम दिस, और ये यहाँ से ट्रेवल करेगा, नीचे नीचे जा रहा है इस पाइप से, ये दिस इज ट्रेवलिंग टू द बॉटम, और यहाँ पे आके हम इसको क्या करेंगे, पंप करेंगे एंड अगेन थ्रू अ कनेक्टिंग पाइप इट विल एंटर इनटू एनालाइजर। तो जो फर्मेंटेड एल्कोहल है, कोल्ड वॉश मीन्स फर्मेंटेड एल्कोहल, फर्मेंटेड कोल्ड फर्मेंटेड एल्कोहल इस जिगजैग इनलेट से होता हुआ इट विल एंटर इनटू द एनालाइजर। और ये देखो ये एनालाइजर में स्प्रे हो जाएगा एंड एनालाइजर में ये लिक्विड वॉश इसमें एंटर कर देगा। नाउ अब ये क्या है, स्टार्टिंग में ये कोल्ड था, जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा, ये स्टीम जो हमारे एनालाइजर और रेक्टिफायर दोनों में फैली हुई है उसके कारण ये गर्म होता रहेगा, और जैसे ये एनालाइजर में जाएगा और इन परफोरेटेड प्लेट से होता होता नीचे जाने लगेगा, उसकी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टीम आपके मान लो रूम में, एक रूम के कमरे से मान लो कंटिन्यूसली हीट आ रही है, स्टीम आ रही है, एंटर कर रही है,
तो अगर आप दरवाजे के पास खड़े होंगे तो वहां पे आपको सबसे गर्म लगेगा, और जैसे जैसे आप कमरे में दूर जाते रहोगे, दरवाजे से दूर जाते रहोगे, जो हीट है वो कम आपको कम हीट लगेगी। तो सेम वे जैसे ही ये लिक्विड नीचे ट्रेवल करेगा तो एक पर्टिकुलर एरिया पे इसको जो टेम्परेचर है वो 78 का टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। जहां पे इसको 78 का टेम्परेचर मिल गया, वहां से जो उसमें से अल्कोहल है, इस फर्मेंटेड बेवरेज में जो अल्कोहल है, वो वापिस वेपर्स के रूप में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगा। वो अगेन दे विल राइज अप, और जो चीजें इवेपोरेट नहीं हो पाएंगी, मीन्स जिनका इवेपो जैसे जो वाटर कंटेंट है उसमें, या ऐसे कोई कंटेनर्स हैं जिनका जो इवेपोरेशन टेम्परेचर 78.5 से ज्यादा है, वो यहाँ से नीचे से वेस्ट से वो निकल जाएंगे एनालाइजर के बॉटम से। ये वेस्ट एंड कंडेंस स्टीम, जो स्टीम है वो यहाँ से निकल जाएगी, कंडेंस स्टीम या जो भी वेस्ट है वाटर, वो सारा इसके बॉटम से निकल जाएगा। और अल्कोहल के वेपर्स विल ट्रेवल थ्रू दिस अगेन दिस सेम कनेक्टिंग पाइप, जिससे स्टीम भी जा रही है। अब इसमें स्टीम प्लस अल्कोहल वेपर्स दोनों जाएंगे, और ये फिर से एंटर हो जा रहा है रेक्टिफायर में। अगेन वो परफोरेटेड प्लेट से ऊपर जाएगा। अब ये जो यहाँ पे चैम्बर होगा, दिस विल बी कोल्ड, और ऊपर एक कंडेंसर लगा होगा, जिससे जब वो हीट करेंगे वेपर्स, इट विल अगेन टर्न इनटू लिक्विड। मींस यहाँ पे इसकी इवेपोरेशन हुई और वापस रेक्टिफायर में आके उसकी फिर से कंडेंसेशन होगी, एंड वी गेट द स्पिरिट डिस्टिल्ड बेवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। और जो हेड्स हर्ड टेल ये हमने पढ़ा था, आई एम नॉट गेटिंग मच इन टू दिस नाउ, तो अलग अलग इसमें डिवाइड हो जाएगा। हर्ड पार्ट मोर सबसे प्योरीफाई होता है, वो हमें अलग से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली काम हो रहा है। एक तरफ से ये फर्मेंटेड एल्कोहल जा रहा है, और दूसरी तरफ से रेक्टिफायर से ये एंटर कर रहा है, और एनालाइजर में ये फिर से प्योर होके वेपर्स बन के वापिस आ रहा है, और यहाँ पे फिर से कंडेंसेशन हो रही है। तो दिस इज मोर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो पेटेंट स्टिल है, ये ज्यादा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, होप थोड़ा सा, क्योंकि अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आई एम श्योर ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस, इतना ही हमारा जो फर्स्ट यूनिट में यही है मेन चीजें, इसको छोड़ के जो बाकी है पॉट पेटेंसिल ही है, बाकी अल्कोहलिक प्रूफ है वो आपने अलग अलग स्केल्स हैं, जिसमें आपका साइक स्केल है, OIML स्केल है, अमेरिकन स्केल्स है, GL स्केल है, एक वो आपने पढ़ना है अमेरिकन स्केल जिसको हम प्रूफ में डोनेट करते हैं। देन वी हैव OIML स्केल विच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, जिसमें हम परसेंटेज ABV लिखते हैं या VYV लिखते हैं। देन वी हैव GL स्केल विच इज अ फ्रेंच स्केल, ठीक है, डिग्री GL से डिनोट करते हैं। एंड देन वी हैव वन मोर साइज स्केल, ठीक है, जिसमें हम डिग्री प्रूफ रखते हैं। तो एक वो टॉपिक है थोड़ा सा, बट दिस इज द मेन टॉपिक, पॉट एंड पेटेंसिल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बेवरेज, अल्कोहलिक बेवरेज, दैट इज टू मेन टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे सबसे ज्यादा पूछते हैं। प्लस थर्ड आपका एल्कोहलिक प्रूफ, प्रूफ क्या होता है, एल्कोहलिक प्रूफ मेजर ऑफ एल्कोहलिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सो दैट इज विद टूडेज टॉपिक, यही मेन टॉपिक था जो मैं आज टच करना चाहता था। एंड वट एवर नेक्स्ट क्लास विल हैव विल गो विद बियर इन दैट क्लास, हम उस क्लास में बियर की हम इंट्रोडक्शन और बियर पढ़ेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइज, जब तक किसी के कोई डाउट है वो क्वेश्चन अपने रेज करे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सारे अपने वीडियो ऑन करें, सो दैट आई कैन टेक द अटेंडेंस।